एयर फ्रायर चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है। ये बोन पीसेस वाले चिकन है। इसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आधा मैंने इसमें नींबू स्क्वीज़ करके ले लिया और एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया। अब ये मेरा स्पेशल मसाला है, आप स्पेशल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत झटपट बनता है, टेस्टी बनता है और क्रिस्पी भी बनता है। तो इसमें मैंने डाला है बेसन, थोड़ा सा रवा और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा तीखा वाला या मालवन मिर्ची पाउडर। सो दो से तीन टेबलस्पून बेसन डाल के इसमें एक टेबलस्पून आप रवा डाल दीजिए और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और क्योंकि ये मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ तो इसी वक्त मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। आप इसे चाहो तो तवे या फ्राई पैन, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और जो भी कोई मेरे घर पे आता है और ये चिकन फ्राई खाता है, सब पूछते हैं अपने ये कैसे बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं अपना एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ। एयर फ्रायर को मैंने 200 डिग्रीज पे प्री हीट कर लिया था ऑलरेडी, और इसे मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ा हो सके तो जब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो एक 10-15 मिनट के लिए इसे रख दीजिए, क्योंकि हम इसमें रवा डाल रहे हैं तो रवा को थोड़ा फूलने के लिए वक्त लगता है। यही वो ट्रिकी जो खास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि जो चिकन को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक 8 मिनट के लिए चिकन को इसमें एयर फ्रायर कर दिया था। अब ऊपर से थोड़ा सा मैं ब्रश की मदद से थोड़ा इस पर ऑयल लगा रही हूँ और फिर इसे हम पलट लेंगे। एयर फ्रायर की खास बात यह है कि बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। आप चाहो तो इसे बिना ऑयल का भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम इसमें ऑयल डालते हैं तो इसमें जो जूसीनेस है वो मेंटेन होता है। और मैंने नोटिस किया कि एयर फ्रायर में बने हुए सारे जो फूड आइटम्स है ना, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अलग आता है, मतलब एकदम रिच फ्लेवर आता है। जो आप वही चीज़ अगर तवे में बनाओगे तो जो चिकन का जो जूसेस है वो तवे में या ऑयल में निकल जाते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में ऐसा नहीं होता है। जो फ्लेवर्स है वो मेंटेन होते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही फ्लेवरफुल बन जाता है। तो इन ऑल मुझे चिकन रोस्ट करने के लिए लगभग 8 से 9 मिनट लगे, 5-5 मिनट एक साइड पे, और ये रेडी हो चुका है। मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बना है। प्लीज़ इसे आप ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए।